हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेशन। ठीक है, आज का टॉपिक होगा एक्सेलरेशन, फिर हम देखेंगे रिटार्डेशन, फिर उसके बाद बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले समझते हैं अपन कि एक्सेलरेशन होता क्या है। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन को डिनोट किया जाता है ए से, और एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और रेट का मतलब हमेशा टाइम से होता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन इस वेलोसिटी में को चेंज करने में लगा टाइम, यानी कि टाइम टेकन। ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन। अच्छा, तो लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डेल बी अपॉन टाइम, लगा टाइम का मतलब टी, ये लिखेंगे, या इसको आप डेल टी भी लिख सकते हैं। इसे हम लिखेंगे वी टू माइनस वी वन अपॉन डेल टी, को हम टी टू माइनस टी वन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो V1 है वो है इनिशियल वेलोसिटी, ये है। और अगर हम बात करें V2 की, तो V2 होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अगर डेल टी या टी की बात करें, तो अपन डेल टी की बात करेंगे, तो T2 माइनस T1। अब हम बोलेंगे कि ये वेलोसिटी चेंज होने में लगा समय, यानी कि टाइम टेकन। ठीक है, अपन ये बोल देंगे। ये बात समझ में आई, एक्सेलरेशन क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ए इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल टी, यानी वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। इतनी बात ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके यूनिट्स की। ठीक है, इसके यूनिट की बात करेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे, और हम फिर बात करेंगे इसके नेचर के बारे में, मतलब हम बोलेंगे इसके क्वांटिटी के बारे में कि किस तरीके की क्वांटिटी है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं इसके यूनिट के बारे में। ठीक है, तो यूनिट को हम देखेंगे दो तरीके से, एक तो SI और दूसरा CGS। ओके, SI और CGS। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो ये होता है डेल वी बाई डेल टी, यानी वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट हमने देखा था कि मीटर पर सेकेंड होती है, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये हो गई एक्सेलरेशन की यूनिट। तो SI यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। लेकिन अगर इसके CGS यूनिट की बात करें, तो CGS यूनिट होगा यहाँ पे अपन बोलेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये होगी इसकी यूनिट। ठीक है, अब चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं इसके बाद इसके डायमेंशन की, इसकी डायमेंशन क्या होने वाली है। तो देखिए, ये सेकेंड है और हम देखेंगे डायमेंशन। ठीक है, अच्छा, डायमेंशन में देखिए, हम लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू डेल वी, या फिर इस डेल वी बाई डेल टी, या डायमेंशन निकालते वक्त हम वी बाई टी भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम वेलोसिटी के डायमेंशन की बात करें, तो वी की डायमेंशन होती है एल टी की पावर माइनस वन, ये होता है। और अगर टाइम के डायमेंशन की बात करें, तो ये होता है टी की पावर वन। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसको अपन रखेंगे, इन सारी चीज़ों को उठा के यहाँ रखेंगे, तो लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू वी के प्लेस पे लिखेंगे एल टी की पावर माइनस वन, ये अपॉन में अपन कर देंगे टी की पावर प्लस वन, ये आ जाएगा इज इक्वल्स टू एल की पावर वन टी की पावर माइनस टू, ये आ जाएगा इसकी डायमेंशन। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, आपको डायरेक्ट याद करना है कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी की पावर माइनस टू। व्हाट? एल टी की पावर माइनस टू, ये इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, तो ये डायमेंशन भी हम देख चुके हैं किस तरीके से डायमेंशन कैलकुलेट किया जाता है। अब हम थर्ड बात कर रहे हैं इसके क्वांटिटी के बारे में, कि जो एक्सेलरेशन होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है,
और स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर इसके वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। एक बात यहीं पे ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन, ये एक ही नाम है, ठीक है। लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन का नाम होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन का नाम होता है रिटार्डेशन। वॉट? रिटार्डेशन, ये होता है निगेटिव एक्सेलरेशन का नाम। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए, अभी हमने देखा है एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन के बारे में खैर इतनी ही चीज़ें हमें देखनी होती हैं, लेकिन अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन कितने टाइप्स का होता है। तो देखिए, जिस तरीके से हम स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर चर्चा किए थे कि वेलोसिटी कितने टाइप की होती है, स्पीड कितने टाइप्स की होती है, उसी तरीके से अपन देखेंगे एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन चार टाइप का होता है, इसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये होता है। दूसरा होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये होता है। अगर तीसरे की बात करें तो देखिए, तीसरा जो होता है वो होता है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, ये होता है। अगर फोर्थ की बात करें तो ये होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये होता है एक्सेलरेशन के टाइप्स, ठीक है। देखिए, आपको पीडीएफ में ये सारी डेफिनेशंस मिल जाएगी, अब वहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करके देख लेना, हो जाएगा। अब बात चलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अपन देखते हैं। तो देखिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम कहते हैं कि अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा, ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिलेगा उस एक्सेलरेशन का नाम होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करें तो हम बोलेंगे कि इक्वल टाइम इंटरवल में अगर उसकी वेलोसिटी में अनइक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दोनों बातें हैं कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल अमाउंट में उसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिलता है उसी एक्सेलरेशन का नाम होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आ रही है? तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ पे आपका अब इम्पोर्टेंट पड़ जाता है एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बस आप यहीं पे अब समझिएगा कि एवरेज एक्सेलरेशन किसे बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन में हम ये बोलते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं वी एवरेज, हम ये यहाँ पे बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, अगर एवरेज एक्सेलरेशन, सॉरी, अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या उस ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सेलरेशन है जो एवरेज फॉर्म में है, ठीक है, या जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन को बोला जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे डेल वी को लिखेंगे अपन वी टू माइनस वी वन अपॉन डेल टी को लिखेंगे टी टू माइनस टी वन। ये बात समझ में आ रही है? और यही होता है एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जब भी एवरेज एक्सेलरेशन पे क्वेश्चन आएगा तो अपन इस तरीके से कर लेंगे। अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई बॉडी है जो मूव कर रही है, ठीक है, अगर उसका किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन देखा जाए, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन देखा जाए, तो इसी एक्सेलरेशन का नाम होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आप बात समझ रहे हो क्या होता है? ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर हम बात करें कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, ध्यान से समझना यहाँ पे,
अभी हमने देखा था यहाँ पे कि एक्सेलरेशन होता था डेल वी बाई डेल टी, और ये आता था, इसको बोलते थे एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन ही कन्वर्ट होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में, लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन में एक टाइम इंटरवल होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में एक टाइम इंस्टेंट होता है। ठीक है, तो हम इसी को लिख देते हैं ऐसे लिमिट के फॉर्म में कि लिमिट यहाँ पे टाइम है यानी डेल टी टेंडिंग टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, तो एवरेज जो एक्सेलरेशन होता है यानी डेल वी बाई डेल टी यही कन्वर्ट हो जाता है आपके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में। ठीक है, तो फिर इसको मतलब इसको लिखने का एक और तरीका है जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे क्या है आपका वी, तो हम इसे बोलेंगे डी वी बाई डी टी, और यही प्रोवाइड करता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये बात समझ में आ रही है? तो देखिए एवरेज एक्सेलरेशन था लेकिन टाइम इंटरवल बहुत छोटा, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पे डेल वी बाई डेल टी मतलब हम लिमिट के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, और जब लिमिट के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल टी टेंडिंग टू जीरो डेल वी बाई डेल टी, और यही कन्वर्ट होता है डी वी बाई डी टी में। बात समझ में आ रही है? तो इसे आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन अगर टाइम का फंक्शन हो तो कैसे लिखेंगे, और एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो तो कैसे लिखेंगे। ध्यान से आप समझिएगा, आप 11th क्लास में हैं तो आपको इतनी मैथ आनी चाहिए और ये चीज़ें आपके साथ चलेंगी। ठीक है, तो देखिए अपन बात करने जा रहे हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है, और एक्सेलरेशन जो होता है इसको हम दो फॉर्मेट में चेक करते हैं, मतलब ये दो फॉर्मेट में हमारे सामने क्वेश्चन आ सकता है। देखिए एक तो होगा कि एक्सेलरेशन जो है मतलब यहाँ पे देखेंगे एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं लेकिन हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। ठीक है, हम बोलेंगे कि वेलोसिटी हो टाइम का फंक्शन, वेलोसिटी हो किसका फंक्शन, टाइम का फंक्शन। जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होता है तो एक्सेलरेशन जब हम निकालते हैं ए तो ये आता है डी वी अपॉन डी टी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी अपॉन डी टी, जब टाइम का फंक्शन हो तो ये करते हैं। अब बात होती है कि टाइम के फंक्शन के अलावा और किसका फंक्शन आता है, तो आता हमारे सामने डिस्प्लेसमेंट का। तो वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो, तो फिर एक्सेलरेशन अपन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये देखना है। तो हम लिखते हैं a इज इक्वल्स टू, देखिए अपन यही अभी लिखते हैं, तो ये लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, लेकिन ये तो टाइम का फंक्शन है लेकिन हमको तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, अपने मन से ऊपर और नीचे डी एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर और नीचे डी एस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए किसी ज़माने में हमने देखा था कि वेलोसिटी होता है डी एस बाई डी टी, होता है ये होता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि हम देखेंगे कि डी एस बाई डी टी, तो डी एस बाई डी टी को अपन क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी, अब देखिए ये डी वी अपॉन डी एस ये बचा हुआ है, तो हम लिखेंगे डी एस अपॉन डी सॉरी डी वी अपॉन डी एस ये बचेगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एस ये आता है। जब फंक्शन यानी कि जब वेलोसिटी दी हो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो ये हमें आना चाहिए। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि एक्सेलरेशन बराबर होता है डी वी बाई डी टी अगर टाइम का फंक्शन हो तो, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी, अगर वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा वी डी वी अपॉन डी एस। ओके, कॉपी करिए फटाफट।
चलिए अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं रिटार्डेशन के ऊपर। अपन ये समझते हैं कि रिटार्डेशन कब होता है और रिटार्डेशन कब बोला जाता है और रिटार्डेशन क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे रिटार्डेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम रिटार्डेशन की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोला जाता है रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही बोला जाता है रिटार्डेशन। अब इसमें समझिएगा, मान लेते हैं कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, और वो मूव कर रही है मान लेते हैं वी वेलोसिटी से, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि इसकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ रही है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो हम बोलते हैं कि ये एक्सेलरेशन है। मतलब यहाँ पे अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रहा है। अगर एक्सेलरेशन लगता है तो हम बोलते हैं वेलोसिटी इंक्रीज करती है। मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो उसका कारण क्या होता है, एक्सेलरेशन। उसका कारण क्या होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर यही चीज़ हम बोलें कि वेलोसिटी तो थी, इसके पास वी वेलोसिटी थी, लेकिन ये वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो जो एक्सेलरेशन यहाँ पे लग रहा है उसी एक्सेलरेशन का नाम हो जाता है रिटार्डेशन, ठीक है, उसी का नाम हो जाता है रिटार्डेशन। तो अगर वेलोसिटी को इंक्रीज कराए तो उसका नाम होता है एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी को डिक्रीज कराए तो उसका नाम होता है अगर वेलोसिटी को इंक्रीज कराए तो एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी को डिक्रीज कराए तो उसका नाम हो जाता है रिटार्डेशन, ठीक है। तो ये रिटार्डेशन के बारे में कुछ बात है। इसमें अपन एक बार डेफिनेशन को रीड कर ले रहे हैं, आप इसमें ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है ये कि When the velocity of the body is changed, we say it is accelerating. ये बात सही है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन तो हो रहा है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी में इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों चीज़ हो सकती है, किसी भी बॉडी में किसी भी बॉडी की वेलोसिटी या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है, दोनों हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी We say that the body is either accelerated or retarded. बात समझ में आ रही है, ये होगा The velocity of the body is increased, its acceleration is, the velocity of the body is decreased, its acceleration is negative. अगर body की velocity decrease होती है मतलब उसका नाम होता है negative acceleration, जिसको बोलते हैं अपन retardation. If the velocity of the body is increased, its acceleration is positive. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज करती है मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है और उस एक्सेलरेशन को अपन बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें रिटार्डेशन में तो देखिए रिटार्डेशन भी वही होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन होता है, इसको हम बोलेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये होता है, ठीक है। तो बस ये होता है कि रिटार्डेशन जो होता है इसमें क्या होता है कि अगर जैसे डेल बी की बात करें और नीचे डेल टी की बात करें, मतलब जो ए आएगा वो आएगा डेल बी बाई डेल टी, क्योंकि रिटार्डेशन को भी ए से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें जो V2 - V1 आता है और ये डेल टी को टी अपन मान लेते हैं या T2 - T1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो शुरुआती वेलोसिटी V1 है वो ज़्यादा होती है लेकिन जो बाद की वेलोसिटी V2 है वो कम होती है। तो ध्यान से देखिए, ये ज़्यादा ये कम, तो निगेटिव ज़्यादा और पॉजिटिव कम, तो ओवरऑल कैसा आ जाएगा, निगेटिव। तो जो यहाँ पर एक्सेलरेशन आता है वो निगेटिव एक्सेलरेशन आता है और इसी को बोल देते हैं अपन रिटार्डेशन। अब देखिए अगर इसके यूनिट और डायमेंशन की बात करें
तो सब कुछ वही होता है जो एक्सेलरेशन का होता है, ठीक है। रिटार्डेशन की अगर यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ये होगा। अगर उसके डायमेंशन की बात करें तो एल टी की पावर माइनस टू इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अगर इसके क्वांटिटी की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव हो सकती है, ठीक है। ये चलिए अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि हमसे क्वेश्चन पूछता कैसे है कि अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो और हमसे वेलोसिटी पूछे, ठीक है, तो हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे। और अगर वेलोसिटी गिवन है और हमसे एक्सेलरेशन पूछे, तो वेलोसिटी को हम कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट गिवन था और वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना था, तो हमने क्या किया कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिला। अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। अब उल्टा भी होता है कि अगर एक्सेलरेशन दिया हो और हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो हम इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट मतलब एक्सेलरेशन को अपन इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और वेलोसिटी को अपन इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेट, हाँ, जब वेलोसिटी को अपन इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। मेरी बात समझ में आई? चलिए कुछ चीज़ें अपन और समझते हैं यहाँ से। यानी हम बोल रहे हैं कि अगर जैसे वेलोसिटी गिवन है तो हम लिखेंगे डी एस बाई डी टी। यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये एक टाइम का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? टाइम का फंक्शन होता है। और जो यहाँ पे टी टाइम का फंक्शन हो गया, लेकिन एस होता क्या है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ये होता है। लेकिन अब समझिएगा कि हमें डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट दिया था तो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन मान लेते हैं कि वेलोसिटी हमें गिवन है, वेलोसिटी हमें गिवन है और हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे? तो ये देखिए, लेकिन वेलोसिटी देखिए टाइम का फंक्शन है। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बट ये पहले कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। तो देखिए अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी डी टी ये आ गया, इज इक्वल्स टू बचा डी एस, ठीक है। अब हम दोनों साइड कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन तो यहाँ से हमें मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और ये कैसे मिलेगा अभी इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा कि अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और दिया है तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए वी डी टी कर देते हैं और दोनों को मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं और हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। अब उसी तरीके से हम बी की बात कर रहे हैं और मान लीजिए हमें दिया है वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है और वेलोसिटी एक टाइम का फंक्शन है, ये एक टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। तो और हमसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे यानी डी वी बाई डी टी, तो ये हमें क्या प्रोवाइड कर देगा? एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर देगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे फंक्शन दिया हो मतलब एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन क्या है? गिवन। और एक्सेलरेशन एक टाइम का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, तो हम कैसे यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे ये हमें देखना है। तो देखिए डी टी से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी टी आ जाएगा और इधर बचेगा डी वी, ठीक है। अब हम दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। तो जब एक्सेलरेशन दिया हो और वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, और ध्यान भी रखना है ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं अपन, ठीक है। अब इसी तरीके से समझिएगा, ये तो था टाइम का फंक्शन, लेकिन अगर वेलोसिटी हो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, किसका फंक्शन? डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन, तो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे
ए इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे वी डी वी अपॉन डी एस, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे अगर ऐसे समझ लिया जाए कि जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, और हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, तो हम इसको यहाँ लाएंगे तो हम लिख देंगे ए डी एस इज इक्वल्स टू वी डी वी, ये और दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेट, और यहाँ से हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसी पे बेस्ड अपन क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, मतलब मज़ा बहुत ही मज़ा, मतलब मज़ा ही मज़ा। ठीक, तो चलो अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया है, और यहाँ पे समझिएगा, दिया है क्वेश्चन कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज, इज गिवन एज, अब यहाँ पे दिया है, आप देखिए x इक्वल्स टू 5t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ये गिवन है। ठीक है, अब आगे क्या बोला ये देखिए, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, बोल रहा है कि वेलोसिटी कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, एकदम प्यार से ध्यान से देखिएगा, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम यहाँ पे क्या बोलने वाले हैं, ये देखिए ये हमें दिया था डिस्प्लेसमेंट, तो x इज इक्वल्स टू 5t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ये गिवन है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, तो v इज इक्वल्स टू होता है डी एक्स बाई डी टी, ये अभी हमने देखा था, ये d अपॉन डी टी, और x के प्लेस पे देखिए 5t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, आपको पता है डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाएगा, तो देखिए 5t का स्क्वायर, तो 5 कांस्टेंट है, ये आ जाएगा बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t के बराबर, ये हमने बेसिक मैथ में देखा था। ठीक है, किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाता है, तो आप अगर नहीं देखे हो तो आप पहले एक बार देखो, उसके बाद फिर यहाँ आ जाओ। ठीक, चलो अगर 4t का डिफरेंशिएशन देखा जाए तो केवल 4 होगा, अगर 3 का डिफरेंशिएशन देखा जाए तो 0, क्योंकि 3 इज अ कांस्टेंट। ओके, तो देखिए अब हमसे पूछा है कि एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे v, अब यहाँ पे देखिए t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो देखिए जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ पे 2 सेकेंड रखिए, तो 5 2 10, ये था इन टू टी के प्लेस पे 2, तो 2 प्लस ये 4 है तो 4, क्योंकि 4 के आगे t तो है नहीं, तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2, 2 के t के प्लेस पे अपन 2 पुट करते गए, तो ये आ गया 5 into 2, तो 5 2 10, 10 into 2 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 24 मीटर पर सेकेंड का, सॉरी मीटर पर सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाद उस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी 24 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए वेलोसिटी तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन होता है dv अपॉन dt, एक्सेलरेशन ये होता है। ठीक है, लेकिन अगर v की बात करें तो आप खुद देखिए v मिल नहीं गया है, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट किए थे तो वेलोसिटी ही मिला था, और वेलोसिटी हमारा क्या दिया गया है, 10t प्लस 4, ये आया है। ठीक है, और ये हमारी वेलोसिटी है, तो अब इसी को यहाँ पुट कर देंगे, तो a इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी, और अंदर आ जाएगा ये आ जाएगा 5 to 10t plus 4, तो ये आएगा 10t plus 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू आएगा, देखो 10t का डिफरेंशिएशन होगा 10, और प्लस 4, 4 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, तो a, अब देखो यहाँ पे अपन t इज इक्वल्स टू रखेंगे 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड रखेंगे, लेकिन यहाँ तो कोई टाइम है ही नहीं, मतलब ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने का ये तरीका है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का ये तरीका है। ठीक है,
कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली एक्सेलरेशन तक पहुंच नहीं सकते हैं, हमेशा आपको पहुंचना पड़ेगा। पहले अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी तक पहुंचेंगे, फिर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई ए, और ए दिया है 2t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, इफ़ इट इज एट रेस्ट एट द ओरिजिन एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, फाइंड इट्स पोजिशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे दिया क्या क्या गया है, एक्सेलरेशन दिया है और ये दिया है 2t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ये दिया है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, मतलब 1 सेकेंड बाद जो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ये था उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले तो हमसे पूछ रहा है बेटा कि पोजीशन बताओ, ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि आप वेलोसिटी बताओ, ये वेलोसिटी बताओ, फिर हमसे पूछ रहा है कि 1 सेकेंड बाद एक्सेलरेशन भी बताई दो, है कि नहीं, लगे सब बता दो, तो ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए एक्सेलरेशन दिया था, सबसे पहले अगर सॉल्यूशन की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ए इज इक्वल टू दिया था 2t का स्क्वायर ये दिया है, लेकिन हमसे यही पूछ रहा है कि 1 सेकेंड बाद बताओ। तो हम रखेंगे कि ए बताना है हमें कब, जब टाइम 1 सेकेंड हो जाता है तब, इज इक्वल टू 2 तो ठीक है, लेकिन टी के प्लेस पे अपन रखेंगे 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, तो 1 सेकेंड बाद इसका एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी की, क्योंकि हम पोजीशन पहले कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को अपन इंटीग्रेट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और जब वेलोसिटी को अपन इंटीग्रेट करते हैं तो मिलता है हमें डिस्प्लेसमेंट, व्हाट डिस्प्लेसमेंट, ये मिलता है। तो जब एक्सेलरेशन दिया हो तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, वेलोसिटी। तो देखो हम देखते हैं कि v एक्सेलरेशन यानी a इज इक्वल टू होता है dv/dt, ये होता है, हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो देखो dv तो ये यहाँ मल्टीप्लाई, तो a dt इज इक्वल टू आ जाएगा dv, इसे हम लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दें अपन, इसको इंटीग्रेट करते रहें। ठीक है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो dv, जैसे dx का इंटीग्रेशन होता है x, ये होता है, हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था तो हम देखे थे वहाँ पे, तो dv का इंटीग्रेशन होगा v इज इक्वल्स टू, अब a, और a के प्लेस पे देखिए क्या दिया गया है, a के प्लेस पे दिया गया है 2t का स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो हम लिखेंगे 2t का स्क्वायर dt। ठीक है, v इज इक्वल्स टू, अब देखिए 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 3/3, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 2t/3, ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा था वेलोसिटी बताइए एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, इस पे बताइए इज इक्वल टू, अब देखिए 2, अब t के प्लेस पे 1³/3, तो ये आ जाएगा 2/3 और ये होगा मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी आपकी आ जाएगी 2/3 मीटर पर सेकेंड, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि आप बताइए पोजीशन, और पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट, अपन यही समझते हैं। तो देखो जब हमें ये कैलकुलेट करना होता है ये, तो देखो वेलोसिटी होता है dx/dt, ठीक है, dt का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो v dt इज इक्वल टू dx आ जाता है, और इसी को कर देते हैं अपन इंटीग्रेट। ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं dx को इंटीग्रेट किया हमने, और ये हमारा है v dt, तो इसको भी इंटीग्रेट किया। अब देखिए यहाँ पे dx
का इंटीग्रेशन होगा x इज इक्वल्स टू, अगर v की बात करें तो v इज इक्वल्स टू आया क्या है 2t की पावर 3 बाई 3 ये आया है, ठीक है। तो v के प्लेस पे हम लिखेंगे 2t की पावर 3 बाई 3 और ये है dt, तो dt ठीक है। 2 बाई 3 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे तो 2 बाई 3 बाहर आ गया, ये बचा t की पावर 3 dt ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 2 बाई 3, अब t की पावर 3 है इसको इंटीग्रेट करना है तो ये आएगा t की पावर 4 बाई 4 ठीक है, ये आएगा। अब देखिए 2 2 जा 4 ये आ गया, तो देखो t की पावर 4 बाई 3 2 जा 6 ये आ गया, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कब करना है, जब टाइम है 1 सेकेंड तब करना है, इज इक्वल्स टू ये देखो 1 की पावर 4 क्योंकि t के प्लेस पे अपन 1 रखेंगे तो 1 की पावर 4 अपॉन 6 और ये आ जाएगा 1 बाई 6। अब डिस्प्लेसमेंट है यानी इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी ठीक है। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो और ये चीज़ें पूछे तो हम ये तरीका होता है सॉल्व करने का ठीक है। तो कॉपी करिए फट से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड स्क्रीन पे बोल रहा है कि एट टी इज इक्वल्स टू जीरो अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विद सम इनिशियल वेलोसिटी द डिस्प्लेसमेंट एक्स इन मीटर ऑफ द बॉडी वेरीज विद टाइम टी, सेकेंड में जो दिया है एज एक्स इक्वल्स टू, देखिए बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा है, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो फाइंड हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट, वॉट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वेन इट कम्स टू रेस्ट ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब x इक्वल्स टू दिया है -2/3 t^2 + 16t + 2 ये दिया है, बोल रहा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि जब टाइम ज़ीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये तो हो गया, एंड ऑल्सो फाइंड हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू कम टू रेस्ट, बोल रहा है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा, ये सेकेंड है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में आएगा, रेस्ट में आने का मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए जीरो, तो रेस्ट में आएगा तो वो कितनी दूर जा चुका होगा, तो नहीं सॉरी ये बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग, मतलब ये बोल रहा है ये कि जब वेलोसिटी जीरो हो चुकी होगी तो बताइए ये कितना टाइम लिया होगा, क्या हमसे पूछ रहा है टाइम, तो बोल रहा है कि कितना टाइम लिया होगा, तो टाइम हमसे पूछा है। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है ये कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, मतलब हमसे बोल रहा है कि जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है मतलब पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है तो फिर एक्सेलरेशन क्या रहा होगा ठीक है, एक्सेलरेशन क्या रहा होगा ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, t इज इक्वल्स टू जीरो पर हमें वेलोसिटी चेक करनी है, डिस्प्लेसमेंट दिया है तो सबसे पहले तो अपन इसको वेलोसिटी मतलब इससे वेलोसिटी निकालेंगे, तो v इज इक्वल्स टू आएगा dv अपॉन dt ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू d अपॉन dt और v के प्लेस पे सॉरी ये आएगा v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt ठीक है। अब x की वैल्यू पुट करें तो -2/3 t^2 + 16t + 2 ये आ जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू देखिए -2/3 कॉन्स्टेंट है तो -2/3 बाहर इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t प्लस 16t का डिफरेंशिएशन होगा 16 और 2 यानी कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0 ठीक है। हमसे बोल रहा है कि t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे, मतलब हमें वेलोसिटी कब कैलकुलेट करनी है, जब टाइम 0 हो ठीक है। ये इज इक्वल्स टू ये -2/3 तो -2 2 2 जब 4 तो -4/3 ये और टी टाइम के प्लेस पे अपन क्या पुट कर देंगे 0 तो ये आ जाएगा 0 प्लस 16 टाइम तो यहाँ है नहीं तो फॉर 16 तो हम बोलेंगे कि वेलोसिटी आ जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब टी इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी 16 मीटर पर सेकेंड के बराबर ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है हमसे, सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो टाइम मतलब कितने समय बाद पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो देखिए बोल रहा है कितने समय बाद पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो इसको तो पहले लिख लें -4/3 t+16, ठीक है ये लिख दें। हमसे पूछ रहा है कि कितने समय बाद पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो अब v के प्लेस पे अपन पुट कर देंगे जीरो, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि अपन रखेंगे -4/3 t = 16, तो हम यहाँ पे रखेंगे -4/3 t + 16 = 0, ये रख देंगे। अब यहाँ से देखिए हम इसको इधर भेज दें या किसी को भेज दें, तो -4/3 t = आ जाएगा -16, ठीक है। इसको हमने इधर भेजा, माइनस माइनस कैंसिल आउट, t = आ जाएगा 16 × 3/4, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिवाइड हो जाएगा, 4 × 4 = 16 और ये 4 × 3 = कितना आएगा 12, मतलब 12 सेकेंड के बाद पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, ये बात समझ में आई। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि जब वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन कितना है। तो देखिए यहाँ से अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़े तो सबसे पहले तो हम जाएंगे वेलोसिटी के पास और वेलोसिटी से बोलेंगे बेटा एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जा। तो लेकिन पहले वेलोसिटी क्या बोलेगा, नहीं नहीं ऐसे थोड़े, पहले मुझे करो डिफरेंशिएट, यानी वेलोसिटी को अपन करेंगे डिफरेंशिएट और ये आएगा 4/3 t + 16, ठीक है ये आ जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू, अब देखो डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है तो -4/3 बाहर आ गया, t का डिफरेंशिएशन होता है 1, t का डिफरेंशिएशन 1 और 16 का 0, यानी कि एक्सेलरेशन जो आया है वो आया है -4/3। तो यहाँ पे समझिएगा कि जब बोल रहा है कि वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है तो एक्सेलरेशन हो जाता है -4/3, यहाँ पे टाइम का कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये है कि अगर किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ये दिया गया है और एक्सेलरेशन पूछा जाए तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होने वाला है, क्या होने वाला है कांस्टेंट, और वो भी -4/3 m/s² के बराबर, और यही हमारा आंसर हुआ। बात समझ में आई, कॉपी करिए इसे पट्ट से। तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू।